व्हाट्सअप भाई, क्या गाइस आप लोग भी मेरे जैसे 1 से 2 ही मिनट में इस तरह से ओनली सीवी बनाना फोटो जाते हैं ना भाई? आप लोग चिंता करने कोई बात नहीं है, क्योंकि आज आपका भाई लेकर आ चुका है आप लोग के डिमांड के अंदर, ठीक है ना, इस तरह का सीवी एडिटिंग भावकाल तरीके से, ठीक है ना। तो आप लोग भी मेरे तरह इस तरह से ओनली सीवी एडिटिंग करना चाहते हैं जान, तो आप लोग को चिंता करने कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज आपका भाई इस वीडियो में आप लोग को दिखाएगा ओनली इस तरफ से सीवी एडिटिंग किस तरफ से बनाते हैं, ओके ना। तो मैं आप लोग वीडियो को स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले तो भाई अपना पहले नॉर्मल वाली फ़ोटो को ले लेता हूँ, ठीक है ना। लेने के बाद ना जान अपना फ़ोटो को यहाँ से पहले शेयर कर लेता हूँ। पहले मैं अपना फ़ोटो को इस एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेता हूँ, ओके ना जान। इस एप्लीकेशन के अंदर शेयर करने के बाद जान फिर से मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, इस पर क्लिक करेंगे और टूल्स वाले पर क्लिक करके पहले वाले कितना 30, चौथे वाले कितना कर लेंगे, ठीक है, एंड तीसरे वाले को इतना हो जाना, फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे, ओके ना। सेव करने के बाद फिर से अपने फोटो को यहाँ से शेयर कर लेंगे, फिर से अपने फोटो को शेयर कर लेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ओके ना जान। तो मैं आ जाता हूँ होम स्क्रीन पे, लाइटरूम एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ, ओके ना। तो मैं अपना फोटो को कॉपी कर आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तेन मेरा फोटो आ गया, तो मैं अपना फोटो को पहले कॉपी कर लेता हूँ। उनसे जान देख सकते हैं इन मेरे फोटो को इतना भावकाल तरीके से फिर शेयर से वो कॉपी हो गया, ठीक है जान। कॉपी होने के बाद फिर से मैं अपना फ़ोटो को यहाँ से शेयर कर लेता हूँ, फिर से मैं अपना फ़ोटो को यहाँ से शेयर कर लेता हूँ। अपना फ़ोटो को शेयर कर लेता हूँ ऑटो रिच एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना जान। इसमें शेयर होने के बाद इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है जान। आप लोग को मैं दिखाऊंगा किस वाली ब्रश को आप लोग को लेना है इस फोटो स्मूथ करने के लिए, ठीक है जान। तो आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि आज आपका भाई इसमें बताएगा किस से ब्रश से आप लोग फेस स्मूथ कर लेंगे, ठीक है जान। आप लोग भी इससे भी फेस स्मूथ कर लेंगे एंड आप लोग इससे भी फेस स्मूथ कर लेंगे, ओके जान। तो मैं फ़ोटो को स्मूथ इसी वाली एप्लीकेशन से एंड इसी वाली को मैं तो इसको मैं छूँगा ही नहीं, ठीक है जान। बस मैं आप लोग को दिखाऊंगा इस वाली एप्लीकेशन से मैं अपना फ़ोटो को स्मूथ करूंगा, ओके जान। मैं इस वाली ब्रश को मैं ले लेता हूँ, ठीक है जान। लेने बाद इस पर क्लिक कर देता हूँ, स्मूथ पे ले लेता हूँ, ठीक है जान। इतना सेम प्रोसेस मेरे जैसे कर सकते हैं आप लोग भी, इतना करने बाद ऑपेसिटी की मतलब साइज़ को इतना छोटा करके इसको और बढ़ा लेते हैं, इसको पाछे पूरा कर सकते हैं। मैं इतना करके इसको साइज को करके और पाछे कर देता हूँ, ओके ना। तो आप लोग भी मेरे तरह इस तरफ से स्मूथ भावकाल तरीके से पहले आप लोग साइज के छोटा कर लेते हैं पहले, और इस तरह से भावकाल तरीके से स्मूथ आप लोग को कर लेना है, ठीक है ना। तो भाई मैं अपना फोटो को पहले आप लोग को सामने से स्मूथ कर रहा हूँ, देख सकते हैं कितना भावकाल तरीके से इस वाली ब्रश में मेरा स्मूथ फोटो हो रहा है, ठीक है ना। मैं अपना फोटो को स्मूथ करके मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, सो जान एंड देख सकते हैं मेरे फोटो कितना भावकाल तरीके से स्मूथ हो गई एंड आप लोग तो देख ही सकते हैं, ठीक है जान। इतना हो जाने के बाद ना जान तो अपना फोटो को एंड इस वाली फोटो को मैं रिमनी मार लेता हूँ एंड आप लोग भी रिमनी मार सकते हैं। तो मैं अपना फोटो को पहले से ही रिमनी मार के रख लिया हूँ, ठीक है जान। मैं जो फोटो को रिमनी मारा हूँ उस वाली फोटो को मैं आपको दिखा रहा हूँ एंड भाई लोग देख सकते हैं रिमनी मारा हूँ तो कितना भावकाल तरीके से मेरा फेस एंड भावकाल तरीके से शरीर भी दिख रहा है, ठीक है जान। तो आप लोग मेरे तरह सेम प्रोसेस कर लेंगे, ठीक है जान। मैं इतना हो जाने बाद ना जान आप लोग को इस वाले एप्लीकेशन के अंदर फोटो को स्कैन कर लेना है। मैं अपना फोटो को स्कैन करके रख लिया हूँ, तो मैं इस वाली एप्लीकेशन को पहले ओपन कर लेता हूँ, आप लोग को दिखा रहा हूँ। पिकअप एप्लीकेशन को पहले तो मैं ओपन कर लेता हूँ, ओपन करके मैं जो बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ उस बैकग्राउंड को मैं ले लेता हूँ। जो बैकग्राउंड लगाना चाहता था उसमें पहले बैकग्राउंड को ले लिया हूँ एंड ठीक है ना। जो फोटो को स्कैन किया हूँ उस पहले फोटो को भी ले लेता हूँ एंड यहाँ से फोटो को भी उस वाली फोटो को ले लेता हूँ, ठीक है। इतना बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा करके अच्छे तरीके से सेम प्रोसेस मेरे तरह आप लोग भी करके अच्छे तरीके से बैठा लेना एंड फोटो को सेव कर लेते हो, ओके ना जान। इतना हो जाने बना जाए एंड अपना फोटो कपड़ा पर थोड़ा भावकाल तरीके से सीवी में बना लेता हूँ। तो पहले तो आप लोग को कपड़े में बनाने के लिए इस पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। इस पर क्लिक करने के बाद कलर वाली पे आ जाना, कलर वाली पे आने के बाद फिर से इस पर आप लोग को क्लिक कर देना, ब्रश वाली को ले लेना है, ठीक है ना। लेने के बाद आप लोग फिर से दिखा रहा हूँ, फिर से आप लोग कुछ इस पर क्लिक कर देना एंड फोटो को इस तरफ से जूम करके अच्छे तरीके से आप लोग को इस तरफ से कलर ले लेना। तो मैं अपना कपड़े पर कलर लेकर आप लोग को दिखा रहा हूँ।
फाइनली गाइस आप लोग भी मेरे तरह इस तरफ से अच्छे तरीके से पहले तो आप लोग को इस तरफ से कलर ले लेना है। एंड लेने के बाद पहले से मैं कलर अपना भौकाल तरीके से ले लिया हूँ, इस पर क्लिक करके जो मेरे को अच्छा कलर लगे उसको मैं पहले ले लेता हूँ, मैं इसको ही ले लेता हूँ। यहाँ से फोटो को सेव कर लेता हूँ, फिर से इस पर क्लिक कर लेता हूँ। आप लोग को दिखता होगा लाइट, ठीक है ना, तो लाइट पर क्लिक करके जितना आप लोग को करना चाहते हैं आप लोग दिखा रहा हूँ कपड़े पर कलर किस तरह से करेंगे। मैं इतना भी कर ब्रश पर क्लिक करके फिर से इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। एंड फोटो को भी इस तरफ से जूम करके अच्छे तरीके से इस तरफ से कर ले रहा हूँ, मैं करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है जान। हेलो तो जान आप लोग को इस तरह से भौकाल तरीके से कलर आप लोग को ले रहे हैं। एंड इस पर क्लिक करते हैं, इसको देख सकते हैं मेरे कपड़े पे कितना भौकाल तरीके से अब कलर आ गया है। एंड इतना पे मेरा कपड़ा था थी, आप लोग जितना अच्छा करेंगे उतना भौकाल तरीके से दिखेगा। मैं इतने पे करके यहाँ इतना पे कर लेता हूँ, 75 पे कर लेता हूँ, 75 ना, इतना पे 52 पे कर लेते हैं, फोटो को सेव कर लेता हूँ। एंड ठीक है जान, एंड मेरा बच गया है पेंट पे एड कलर लाना आइस हेयर लगाना। एंड ठीक है ना, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ उसको भी भौकाल तरीके से किस तरफ से बनाएंगे, तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। कल पेंट पे कलर लाने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर नहीं, इस पर कलर वाल पर क्लिक करके कलर वाल कर ले लेते हैं, फिर इस पर क्लिक कर ब्रश पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। इस पर क्लिक करना एंड फिर से आप लोग को कुछ इस पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक करके इसको लेकर अच्छे तरीके से सेम प्रोसेस मेरे तरह ही करके आप लोग भी इस तरह से पहले कर लेना, मैं करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। एंड सो जन आप लोग भी मेरे तरह इस तरह से पहले अच्छे तरीके से पेंट पे कलर लेके यहाँ से फोटो को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जो मेरे को अच्छा कलर लगेगा उसको ही मैं ले लेता हूँ। एंड इसको लेकर ऑपोसिटी के यहाँ से कम इतना पे कर लेता हूँ, ठीक, ब्रश वाले लेकर इसको अच्छे तरीके से थोड़ा और पेंट पे कलर पहले ले लेता हूँ, ठीक है जान। यहाँ से फोटो को सेव कर ले रहा हूँ, थोड़ा और कपड़ा को पैंट को सीवी में बना, इस पर क्लिक कर देंगे सीवी में बनाने के लिए। इस पर क्लिक करके पहले वाली कैंड ले लेंगे, इसको लेकर पूरा सूटी काम करके तीसरे वाली पैक इसको थोड़ा इतना पे करके ब्रश वाले पे क्लिक कर देंगे एंड इस पर क्लिक कर देंगे। आज अच्छे तरीके से आप लोग को एंड तो इस पर अच्छे तरीके से कर लेना, एंड करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कितना भौकाल तरीके से मेरे पेंट पे कलर आ गया। तो सेव कर लेता हूँ, जितना आप लोग को अच्छा लगे ना जान उतना आप लोग रख सकते हैं। एंड मैं इतना पे ही रख ले रहा हूँ, इतना पे यहाँ से फोटो को सेव कर ले रहा हूँ। एंड मेरा बच गया एक हेयर ही लगाना, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ हेयर कहाँ से लगेगा। मैं हेयर को डाउनलोड करके रख लिया हूँ, ठीक है जान, तो मैं हेयर को भी जो लगाना चाहता हूँ उस वाली हेयर को भी मैं ले लेता हूँ अच्छे तरीके से सेम प्रोसेस मेरे तरह भी करके आप लोग को लगा लेना था। इन्हें मैं कर आप लोग को दिखा रहा हूँ। एंड सो जान देख सकते हैं कितना भौकाल तरीके से मेरे हेड पर मेरे सिर पर कितना भौकाल तरीके से हेयर लग गया। एंड ठीक है जान, यहाँ से मैं फोटो को सेव कर ले रहा हूँ। एंड मेरा बच गया थोड़ा और PNG वगैरह लगाना, ठीक है जान, मैं PNG वगैरह का भी फिर से ले लेता हूँ। एंड मैं PNG वगैरह का भी ले लेता हूँ। एंड मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है जान, इसको लेने भाई इसको भी ले लेता हूँ। इसको अच्छे तरीके से मैं पहले तो इस यहाँ पे लगा ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं लगा ले रहा हूँ। लगाने भाई इसके अपना जूते के पास यहाँ पे दो कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करके फिर इस पर क्लिक कर देंगे, दो बन जाएगा। यहाँ से फोटो को सेव कर ले रहा हूँ, एंड ठीक है जान। एंड इतना हो जाने के बाद अपने थोड़ा यहाँ से बैकग्राउंड दो करना चाहते तो पहले इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक कर देंगे पहले वाली, इस पर क्लिक कर अपना फोटो को ब्लर नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा इसको कम कर देना, यहाँ से फोटो को सेव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट्सअप गाइस लोग देख सकते हैं मेरा फोटो कितना भौकाल तरीके से आप लोग को मैं सेवी में बनाकर दिखा दिया हूँ, ठीक है ना। भाई लोग आप लोग मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना, ठीक है ना, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसा ऐसा CV एडिटिंग करना लाता रहता हूँ। फिर चलते एक और नेक्स्ट वीडियो में।